सभी गाड़ियां चालू हो गई। मैंने सारा बेरा मधो क्या हूं पोती पोता नहीं खिला सका ददानिया नहीं बोल सका पलड़ा खट्टे की राबड़ी पी के मेरे बुखार तार लेता या छक्के लगा दे मर जाऊं सांस होत नहीं आओ भाई। अच्छा पत्रकार हो ये बेटा धन्यवाद। तो आपको मालूम ही नहीं है तो फिर आप ऐसे ही बैठे हो। आम जनता से भी ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम निकलो, जिसको जरूरी आवश्यक कार्य है तभी सड़क पर निकले, अनावश्यक नहीं निकले। दिल्ली बंद भी कर जाके एग्जाम भी ले रहे हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हैं आपने जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट अंदर ही जो चिड़ावा शहर पड़ा है, चिड़ावा के अंदर आप पूछे हैं कोरोना काल चल रहे है, जो चिड़ावा के अंदर 13-14 लोग ही वह पॉजिटिव भी आया ही लोग ही आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो किराना स्टोर है या मेडिकल स्टोर है वह कहीं ऐसी सावधानी बरत रहे हैं और जो लोगों को आवागमन है वो कत्तों के चल रहे हैं, बस वगैरह ही वह कत्ती के चल रही, स्टेशन पर भी आप बातचीत करेंगे कि कैसी के ट्रेन चल रही, के टिकट हो रही हैं और लोग सावधानी बरत रहे हैं या कोनी बरत रहे हैं। तो यो वीडियो ही लास्ट तक जरूर देखो। चिड़ावा के अंदर जो गवर्नमेंट जो सरकारी हॉस्पिटल है के अंदर भी आप आए हाँ अड़िया का डॉक्टर ही हूँ, आप बातचीत करेंगा। दिखाने गया कि समस्या होगी? मैं तो वैक्सीन लगवाने गए। तो कौन सा फर्स्ट डोज लगाए? आंटी हॉस्पिटल में कहीं आ रहे हो? टीका लगवाने हो रहे? देश में बीमारी फैल रही है। थारे थोड़ी हो रही है कोरोना? ना मार तो कोई नहीं हो रही, सुना अफवाह हो रही है ना। चेक करोगे? अच्छा पत्रकार हो ये बेटा धन्यवाद। लगा के दिखा इंजेक्शन? हाँ दो लगा हमारे, एक तो पहली बार नड़ लगा 4 तारीख ने, एक आज लगा दोबारा। अच्छा दोबारा लगो आंटी थर है? दोबारा ही वाणी आदन में तीन एक वीडियो आ वो मार जेठी तो कहते दोनों भाने सागर रह रहे कि कोरोना मतलब लगवा लियो ना। मैं भाई खेत में काम करा पूरे दिन या छिक्की लगा दी मार जाऊं सांस होत नहीं आओ भाई। सेफ्टी है छिक्की तो क्या और के छिक्की भाई सुविधा खूब है, एक नंबर की सुविधा, एक नंबर की। ये भी सावधानी बरत रहे होगे? हां। और दूसरी बात सोई सी वन नंबर आई देखिए बेरो कुछ पड़ियो बड़ा आराम हो सोई ते तो सोई हुई राज्य होगा, सोई को दर्द कोनी हुई ना ओयो ही कोनी कोरोना तो बड़े ही कोनी राजस्थान में आवे ही कुछ को। अरे तो चिड़ावा के अंदर ही तेरा ना ना बड़े ही कुछ राजस्थान शिमला में बढ़ जाने तो मेरा कान पालटियो। तो कान कैसे पाड़ लेगा? चिड़ावा के अंदर ही आ रहे हैं कोनी आ रहा है, सबका सर्दी जुकाम सदा से होती है या बटका मेरी गाजी उतारे तो घर की बहुत होती, पलड़ा खट्टे की राबड़ी पी के मेरे बुखार तार लेता, ये सब फंड कोई नहीं है, बीमारी है ही नहीं। 4-4 लाख आदमी बंगाल में रैली हो रही है, एक कई मुंडे पर मास्क को नहीं उठे कोरोना को नहीं पूरे कुछ नहीं है तो मुंडे का तो छिक्के लगा दे और दो गज दूरी पोती पोता नहीं खिला सका ददानिया नहीं बोल सका, मैं तो कैद कर रखी है कोई बीमारी नहीं। मैं मेरे पेरेंट्स के टीके की के लगवाने लिए खतरा आयो थो तो पता चलो कि अठे ऊपर लगाया जाए, तो बुजुर्ग लोग है बस दूसरी मंजिल पर जाके कहीं टीको लगवाओगा न तो उनने या सुविधा है कि आठ से कोई बुजुर्ग आदमी है उन्हें ऊपर तक चढ़ाया जा, उनका कोई साधन हो है वो खुद ही जाओ या उनका घर का उन लेके जाओ। और दूसरी एक चीज यह भी नजर आ रही है कि सरकार अभी जांचा कम कर रही है, जांच कम करके पॉजिटिव कम दिखाने का प्रयास है, वो जनता सागे खतरनाक साबित हो सके, बहुत गंभीर चिंता को विषय है ये, बहुत मोकलो ए बात सोचने को टाइम आगो कि लोग जो टच भी नहीं हो रहा है तो फिर भी यू कड़सायो। कोई समस्या भी आई है कि ऊपर गए हो तो? समस्या बुजुर्ग के लिए समस्या जी, इतनी दूर चल के जाना रहना वो। आंटी रोड पर क्या घूम रहे हो? कोई भी जा घूम रहे हो नहीं तो? ये जब मैं भाई के काम जाके ये अच्छा को आई रही कोई जाई जाने में कन्या आउछी जरूरी काम जा जाई तो बाका घर गया ना हाथ हो धोया के? हाथ धोया मैं सब लगाई हाथ धोके। अच्छा अब घर जाके भी धोना है? हाँ धोना है सारा बेरा बेटा, मैंने सारा बेरा मैं धो के आऊं। एनसीसी वालों की ड्यूटी लगा रखी है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बन पूछताछ कर रहे होगे थे? यस सर, जो मास्क नहीं लगा रहा उनका चलान काट रहे हैं हम। और लोग बात भी मान रहे हैं? हाँ मान रहे हैं ना। आज पुलिस थाने में क्या कर्फ्यू लग रहे के बात? उनको कोई रोज नाम से हो रजिस्टर हो देना है, वो रजिस्टर खत्म हो रहे वो कारण वो रजिस्टर देना है। पति के सख्ताई बढ़ती जा रही है, पुलिस की तरफ से पूरी करी जा रही है, उनके घर पर जाके उनको घर पर जो नहीं मान रहे उनको तो एम्बुलेंस में झुंझुनू भेजाया जा रहा है और पुलिस घर पर जाकर और उनको घर पर होम क्वारंटाइन कर रही है, शिक्षा विभाग की टीम भी जाती है और पुलिस वाले भी जा जाके जिनकी बीट वाइज है उस हिसाब से पुलिस जाती है उनके घर पर। और जैन की आप बात करें कि झुंझुनू रोड है पिलानी सिंगाना या मतलब रोड जारी है इपर कत्ती के बस भी चल रही अरे और भी ऑटो वगैरह चल रही तो आगे भी थे पूछताछ कर रहे हो कि प्राइवेट बसें तो ना के बराबर चल रही है? जी जी। हाँ कुछ ऑटो में जैसे कोई बाजार के लिए कोई ऐसा ही व्यक्ति है कोई ये हॉस्पिटल जा रहा है
तो कटा की हरी हरची की जा रही है। क्या सावधानी बरतते हो? आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, उसे फिर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन और डिस्टेंस बना के रखते हैं, दूरी बनाने के लिए बोलते हैं। बार बार में से कोई बोलते हैं कि साबुन से हाथ धोएं, आधे घंटे बिठाते हैं वैक्सीनेशन होने के बाद में, फिर यदि कोई रिएक्शन नहीं होता तो फिर उनको घर भेज देते। जो वैक्सीन लगा रहे होते तो के सावधानी बरत रहे हो और लोग भी सावधानी बरत रहेंगे? हाँ, सब सावधानी बरत रहे हैं, मुंह पर मास्क लगा के रखे हैं और सैनिटाइज हाथ करते बार बार ये, और हरी सब चीज़ आराम से कर रहे हैं। दुकान पर थे के लेन खातर आए हो? मेरी मोह ने फर्स्ट किया है इसको सामान थारकन ग्राही कर रहे हैं, तो थे के सावधानी अड़े बरत रहे? मास्क है अंदर को नहीं आने दे रहा दुकान में, बाकी सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर को आप उपयोग कर रहे हैं, पीछा दे रहे हैं तो सैनिटाइजर कर रहे हैं बाहर में, जिकन मास्क नहीं है उन्हें मेरे सामान भी बंद। भैया ये रेडी के साथ थे कहीं घूम रहे हो रोड पर? सब्जी बेचा था मैंने। सब्जी बेच रहे हो तो सब्जी तो है ही नहीं, सामान सल्टा का है वो तो। कोई जहाँ की ग्राही का भी कन मास्क नहीं हुआ तो सामान ही कौन देना था, ये बताओ। सेफ्टी माने भी रखना पड़े। जो स्टेशन वाली रोड है, जो चुंगी भी जा रही है और स्टेशन भी जा रही है, ये पर ही हॉस्पिटल है, नाम है हॉस्पिटल को जयपुर हॉस्पिटल। के अंदर पूछा कि अड़िया का डॉक्टर यहाँ वहाँ पर बातचीत करांगा और के सावधानी बरत रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं वह भी के सावधानी बरत रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर आए तो के सावधानी बरत रहे हो? फिलहाल डिस्टेंस बना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। तो डिस्टेंस तो घड़े बना रहे थे तो बिल्कुल पास पास में बैठे हो, थोड़ा दूर दूर बैठो, सामने भी चेयर रिंबा के ऊपर बैठ जाओ दो जना। सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हो? सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, पेशेंट से दूरी भी है, तेरे सामने है, ज़्यादा पेशेंट हो जाए तो पतली खिड़की होंगे, मैंने प्लास्टिक की टेबल लगा रखी है, तो पेशेंट ने दूर से दवाई दे के लाइन से अलग अलग रख करके बाहर की साइड में बैठने की व्यवस्था भी है। जो कोई अंदर आता है उसको मास्क बिना अंदर आने नहीं देते। जो चिड़ावा स्टेशन है, जब भी आप पूछे कि कर्फ्यू लग रही है, ट्रेन आ रही है या कौन नहीं आ रही, के जा सावधानी बरती जा रही, और मेरे सामने जो थे देख सको होडिन, कोई जरूरी काम है तभी गाड़ी घूम रही नहीं, वरना जो वाहन नहीं वह भी कौन घूम रहे, और जो आदमी ही वह भी बहुत ही कम घूम रहे हैं। देख रहे हो कि चारों मेरे बिल्कुल शांति शांति है। आप स्टेशन के अंदर जावांगा और बातचीत करांगा, जय थे स्टेशन पर अड़े बैठे हो तो क्या को वेट कर रहे हो? कहीं आया टिकट बनवाने के दिया था उरे। कड़िया की टिकट बनवानी है? लुवारू जंक्शन दिल्ली की बनवानी है, पेपर है CHSL को। तो अब थे टिकट बनवाने खातर अंदर गया, तो फिर कोई बस सावधानी भी बरती के मास्क वगैरह सब लगा लगा रखो था और सैनिटाइजर भी करा के? हाँ, सैनिटाइजर उरे ही मिल गया था मनवारी। टिकट वगैरह भी चल रही है, करवा रहे हैं के लोग? लोग करवा रहे हैं, जो भी टिकट करवाने आएगा उसके लिए मास्क होना जरूरी है और बाहर सैनिटाइजर की बोतल, एक अंदर सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम टिकट इश्यू कर रहे हैं, लेकिन उनमें यात्री बाहर बहुत कम है, और अनरिजर्व टिकट में भी हम वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए लोगों को टिकट इश्यू कर रहे हैं। ये जो ट्रेन है ये चल रही है? ट्रेन जो COVID-19 से पहले जो चलाई गई थी रेल के द्वारा, वो सभी गाड़ियां चालू हो गई। एक गाड़ी सप्ताह में 3 दिन दिल्ली सराय रोहिल्ला से जयपुर चल रही है, एक गाड़ी हिसार से कोटा सप्ताह में 4 दिन चल रही है, और बाकी की जो 2 पैसेंजर हैं वो डेली है, और एक गाड़ी दिल्ली सराय रोहिल्ला से सीकर इंटरसिटी एक्सप्रेस वेडनेसडे और फ्राइडे को चल रही। जो स्टेशन हुई स्टेशन पर कम 150 लोग 20-30 लोग तो यहाँ नॉर्मल बैठे ही रही, वह ट्रेन को वेट करता रही या कुछ ना कुछ, वह यहाँ नॉर्मल भी जो आसपास का लोग ही में बैठे रही थे, देख सको कि चारू मेरे एक इंसान भी अड़े बैठे को नहीं है। किस चीज का वेट कर रहे हो आप, कैसे बैठे हुए यहाँ पे? ट्रेन का। कहाँ से कहाँ जाना है आपको? हमको मुरादाबाद जाना। तो कौन सी ट्रेन आएगी, कब आएगी? ये मेरे को मालूम नहीं, यहाँ पे पहली फिर आया हूँ मैं। तो आपको मालूम ही नहीं है तो फिर आप ऐसे बैठे हो, तो मालूम पता लगाओ ना भाई कहाँ से कब क्या जाएगी। अभी लगाएंगे 50 किलोमीटर चल के आए ना पैदल। कहाँ से आए हो? चुड़ावा से आ गए, पिरानी से भी आ गए। तो यहाँ पे क्या करते हो आप? भट्टे पे काम पे करने गया। थे कहीं बैठे हो अंकल जी? गाड़ी के मारे। गाड़ी के लिए? कौन सी गाड़ी के लिए? झुंझुनू पैसेंजर आओगे उसके लिए। तो शाम क्या होगी ना? 5 बजे 5:30 आएगी उस तक। तो कड़े जाओगा झुंझुनू? तो बस भी चल रही ना? बस कुछ चली नहीं रही, तो बस जाए कहाँ से। थारी दुकान खुली क्या है, क्योंकि सारी दुकान बंद ही। अपनी ट्रेवल एजेंसी है, इसलिए खुली है, हमारी परमिशन हमारे पास। तो बस वगैरह चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है, सब चल रही है। बस डिपो यहीं पर थे बैठे हो, तो कहीं कोई बस को वेट कर रहा हो या आया हो? कठे मैडम बस का वेट कर रहे हैं, दिल्ली एग्जाम है। कब आओगे थारी बस? बस को कोई है तो पता को नहीं है अभी।
तो थे अंदर जाके पूछो उनके ऑफिस में पतो करो हो तो फिर तो मैडम बोलिया कि जहाँ सवारी हो जाएंगी 25-30 तो बस चाल बुक करेगी तो वो कोई इन्फॉर्मेशन कि मतलब घर से पहले जाके बैठे तो कोई आइडिया वगैरह बोले हमारे पास कोई आइडिया नहीं है वहाँ जाके वेट करो यही हो सकता है मैडम बंद दिल्ली बंद भी कर जाएगी एग्जाम भी ले रहे हैं अब मैं क्या कर सकता एग्जाम देना ही पड़ेगा ना कोई दूसरा ऑप्शन भी तो कोने अब तो बढ़ना सोचनी चाहिए ना कि बंद कर रहे हैं एग्जाम क्या करा रहे हैं ये सावधानी बरत रहे होगी मास्क वास्क लगा रहा है डिस्टेंस बना रहा है अननोन के करीब नहीं जा रहा है पानी वानी घर से पी के आया है बाहर को कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा यही सब बरत रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह भी है के पास में सैनिटाइजर वगैरह है बस डिपो एम भी दो ही बस खड़ी है और दिल्ली का भी काफी सारा लोग बैठे है लोगों को बहुत कम आवागमन है कि मेरे पीछे देख सको कुछ टेम्पो है जो सवारी कोई कड़ा रोडवेज में या जो प्राइवेट बस चल रही कुछ कुछ सुबह को अंदर आ रही तो वह जड़े बन जाना बड़े पूछा रही दुकाना की आप बात करा तो दुकान भी बहुत कम खुल रही है कोई जरूरतमंद जो सामान बिक रही है बड़े ही खुल रही है जो भी लोग बाहर निकल रहे हो तो कोई जरूरी काम है तो घर का बाहर निकलो और जो काम निकल रहे हो तो जो सैनिटाइजर करो हैंड वॉश करो भी के बाद में घर के बाहर जाओ और अंदर आओ तो भी बिल्कुल सैनिटाइजर हैंड वॉश करना है और मास्क लगा के रखना है 2 या 3 गज की दूरी भी रखनी है ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताओ वीडियो इन लाइक करो शेयर करो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो जो पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो जो भी नयो वीडियो आओगे भी की नोटिफिकेशन तुरंत थारे फोन में आ जाएगी जय हिंद जय झुंझुनू।